स्टार प्लस के सीरियल बातें कुछ अनकही सी में वंदना ऑफिस में काम कर रही होती है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी शादी के लिए काफी एक्साइटेड है। ऐसे में वो वैभव को भेजती है मेहंदी के कुछ डिजाइंस फाइनल करने के लिए। कुणाल और बॉबी दोनों वंदना को देखते हैं कि वो अपनी शादी को लेकर काफी खुश है और सपने सजा रही है। कुणाल सोचता भी है कि वो वंदना को वैभव का सच बता दे, लेकिन बॉबी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। हाँ, वैभव की सच्चाई तो पता है बिल्कुल, और ये जो हो रहा है वो कतई उस चीज से खुश नहीं है, और क्योंकि उसको पता है कि और उसके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। यू नो ही इज हार्ट ब्रोकन, यू नो इन हिज लाइफ ही नोज व्हाट वन गोज थ्रू, एक आदमी और यू नो किस चीज से गुजरता है जब हार्ट ब्रोकन होता है, तो ही नोज द फैक्ट। और इसको पता है यार ये इसके साथ धोखा हो रहा है, मृणाल धोखा कर रही है और वैभव धोखा कर रहा है, तो अभी भाई उसको उसकी उसका कॉन्फ्लिक्ट है कि इसको बताए या ना बताए। अब वो बताएगा या नहीं बताएगा, ये मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस वेट करे देखने के लिए। हम दोनों हर सीन में बातचीत कर रहे होते हैं हर किसी के बारे में बिचिंग कर रहे होते हैं बॉबी और मैं अपने विचार प्रकट कर रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई फील लाइक टेलिंग हर, इस सीन में ये पर्टिकुलरली इस सीन में ही होता है कि मेरा मन कर रहा होता है मैं इसको जाके बता दूं, और मैं बॉबी को यही बोल रहा हूं कि बॉबी आई वांट टू टेल हर द ट्रुथ, और बॉबी मुझे कहता है कि आपने पहले भी कोशिश की थी एक बार और तुमने और उसने आप पर विश्वास नहीं किया था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि सी देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि वंदना जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, एंड कहीं ना कहीं अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। एंड इसीलिए कुणाल को लगता है कि जब वो दिल से इतनी अच्छी है और वैभव जो है वो सही लड़का नहीं है उसके लिए, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो एक कश्मकश है कि वंदना को वो बताए नहीं बताए, क्योंकि कुणाल ने अपने पापा से डैड से वादा भी किया है कि वो कंपनी को नंबर वन करेंगे, और वंदना की जो ज़िंदगी है वो यू नो ही विल मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू बी हैप्पी। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन अगर देखा जाए तो। तो वहीं दूसरी तरफ अनघा घर बेचने का प्लान बना रही है, क्योंकि घर बेचकर ही वो 25 लाख दे पाएंगे और सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल पाएंगे, और यही प्लानिंग में ही लगे हुए हैं सभी घर वाले। ये प्लानिंग प्लॉटिंग का जो श्रेय है वो इनको जाता है क्योंकि पहले मैं कर रहा था, फिर मैं घर से भाग गया, तो हेमंत जो है वो घर से भाग गया, फिर मैंने टेक ओवर कर लिया। तो इसे सोचा कि यार अगर हेमंत नहीं कर सकता तो मैं कर लेती हूँ मैंने टेक ओवर कर लिया फिर हाँ, तो अनघा ने कर लिया, और अनघा बड़ा प्लॉट कुछ बड़ा प्लॉट करने वाली है, तो अभी वो रिवील नहीं कर सकते, पर बहुत समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज कमिंग अप। तो बंधु की शादी होगी ना? हाँ हाँ, वंदु की शादी तो ज़रूर होगी, लेकिन कैसी होगी, शादी में क्या क्या होगा, शादी में कितने बम फटेंगे और उसमें से कितने बम हम लोग फोड़ने वाले हैं वो सब, कितने बम हम खुद पे फटेंगे वो भी पता नहीं है वो सब आपको भी धीरे धीरे पता चलेगा, हमें भी धीरे धीरे yes. पता चलेगा। बट यस, वंदु हेमंत की बहुत ही खास बहन है, बहुत ही प्यारी बहन है, एंड हेमंत बहुत प्यार करता है वंदु से, तो हेमंत तो चाहेगा कि वंदु की शादी बड़ी धूमधाम से हो, पर उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये तो हमको भी पता नहीं है। एक्चुअली पता नहीं है, और हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अभी सिचुएशन ऐसी है कि 25 लाख का लोन तो है ही, तो किसी ना किसी तरह से तो वापस करना ही है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, और ये 25 लाख के लोन के बदले में मुझे जो मिला है ना वो विरासत में ये मिला है तो इसीलिए हम कुछ मतलब हम लोग जो पॉसिबल हो वो करेंगे, और उसमें अगर घर बेचना पड़े तो वो भी कर लेंगे, बिकॉज एट दी एंड मेरे लिए मेरा पति और मेरा बेटा यही मेरा संसार है, दैट इज़ माय वर्ल्ड, और मैं सबसे पहले इनके लिए सोचूंगी, एंड देन आई थिंक अबाउट अदर्स, इट्स अ मदर, यू कांट हेल्प इट। हाँ बट सॉरी, हाँ नहीं नहीं, दैट्स सो। बट हेमंत के लिए ऐसा है कि हेमंत को एकदम हेमंत शॉक में आ जाता है, क्योंकि वो कहीं भटक जाता है, लोन चुका नहीं पाता, फिर घर आता है तो उसको पता चलता है कि अनघा ऐसे कुछ प्लॉट कर रही है, प्लान कर रही है, तो हेमंत के लिए बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि उसने ये सोच के नहीं आया था कि अभी घर बेचना है, क्योंकि वो तो चाहता है कि वंदु की शादी हो और सब कुछ कुशल मंगल हो, बट अब बीवी है तो बीवी का थोड़ा तो सुनना पड़ेगा मुझे और बीवी इज मेकिंग सेंस ऑल्सो, सो सुनना तो पड़ेगा। वो तो यार आप लोग डिसाइड करो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं अभी देखिए मृणाल का एक बहुत बड़ा हुक्म का इक्का मेरे पास आ चुका है, जिसके बारे में मुझे पता चल चुका है, इसको अभी तो कुछ भी भनक भी नहीं है, सो और
मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को जो चाहिए, मेरे को वो लोन चुकाना है, मेरे बेटे का भविष्य देखना है और मेरे हस्बैंड का जो भी बिजनेस है उसमें उसको सेट करवाना है. सो उस सब के लिए मुझे ये दिख रहा है कि मृणाल इज़ दी ओनली वन जो जो इसने सुन लिया है सब कुछ और वो सब कुछ आके बता देगी तो दिक्कत हो जाएगी. तो इसीलिए उसको चुप कराने के लिए मैंने मेरा हुक्म का इक्का निकाला और जो मृणाल पे भारी पड़ गया, बहुत भारी पड़ेगा और मेरे को लगता है अभी नहीं, बहुत बहुत टाइम तक भारी पड़ने वाला है उसे. भारी पड़ने वो मेरे पे भी भारी पड़ने वाला है अभी. बहुत बड़ा इक्का है क्योंकि बहुत बड़ा इक्का है. थैंक यू. बाय द वे एक बात बताऊं, अनघा इज अनघा का कब देखा डॉग मॉम. शी इज द मदर ऑफ ऑल द डॉग्स. यहाँ पे आप जितने भी आप देखोगे ना पिल्ले या ये सब जो डॉग्स हैं, सॉरी हाँ बेबीज, सो ऑल द बेबीज एंड द बाबाज जो भी है यहाँ पे उनकी माँ ये है, पूरा दिन को खाना खिलाती है. तो शी इज द मॉम डॉग, सॉरी डॉग मॉम फॉर मी. यार दिस इज अ ब्लेसिंग टू शूट इन फिल्म सिटी, सच्ची कहूँ ना, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा मौसम ना नहीं मिलता बॉम्बे में जनरली, और ऐसे मौसम का नजारा देख के शूट करना इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग. व्हाट डू यू से? और अभी वो सीन में भी ड्रामा चल रहा था, कुछ बाबा ने कुछ लाइन बोली कि मैं जी जान लगा दूंगा और पीछे गड़गड़ एकदम फुल बैकग्राउंड म्यूजिक. ये ऐसे लग रहा है कि हम ना बीच बीच में लोनावला महाबलेश्वर जाके शूटिंग करके आते. सो कीप वॉचिंग बातें कुछ अनकही सी स्टार प्लस 9 PM एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. देखिए नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ.